हाँ जी, लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड को बुला लिया। मैंने कहा पापा आप ठीक हो के घर आ जाओगे, मुझे नजर नहीं आ रहा था कि मेरे पापा के साथ हो क्या गया है। एक साइड से मैंने पकड़ा हुआ, मेरे भाई ने पकड़ के उनको बाइक पे बिठाया, जिसकी टांग अपने पापा को हमने खुद बिठाया। मेरा भाई जिसको गोली लगी है वो बाइक चला के गया है। वो मंजर मैं नहीं भूलता, वो कयामत की रात थी हमारे लिए। आपके भाई को भी गोली लगी इस वक्त, आप खुद अपने फादर को हॉस्पिटल लेके गई उसके बाद? हाँ जी, मेरे दोनों भाई उसको लेके गए, लेकिन जिस भाई को गोली लगी थी उसने बाइक स्टार्ट की है, वो भाई जाके वो भी गिर गया। ये 5 महीने नाजरीन इनके बाप को, इनके सरपरस्त को जो है वो दिन दिहाड़े कत्ल कर दिया गया। वो किस तरह किया, क्यों किया, इसके पीछे सारी कहानी क्या है और माजरा क्या है, ये हम इसी बेटी से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? महनूर। महनूर, महनूर कितने बहन भाई हो आप? हम 5 बहनें 2 भाई हैं। एज क्या है आपकी? मेरी 24। सबसे बड़ी हो? हाँ जी, मैं सबसे बड़ी हूँ। ओके, तो ये क्या सारा मामला पेश आया आपके फादर के साथ, किसने मारा? मेरे भाई का झगड़ा हुआ एक लड़की के बच्चों के साथ, मतलब कि झगड़ा ढोल बज रहे थे, उन्होंने कहा कि ये सारे बड़े खड़े हुए हैं, आप छोटे बच्चे ना आओ बीच में आओ। वो आके तो उसने कहा कि जी हमने आना है, उसने पीछे किया, उसने आगे से गाली गलौज करनी शुरू कर दी। मेरे भाई ने उसको पकड़ कर थप्पड़ मार दिया। किसको थप्पड़ मारा? बच्चों को। हाँ जी, बच्चों को। बच्चों की माँ उधर ही खड़ी हुई थी, उसने आगे से गाली गलौज करनी शुरू कर दी। मेरी मामा नीचे गई, उसने मना किया, उसको कहा कि ना बस बात को ख़त्म कर दो, इतना ना बढ़ाओ। कहती नहीं, इन लोगों ने मेरे साथ, मतलब कि मेरे बच्चों के साथ बदतमीजी की है, ये वो। उन्होंने इसने ना पीछे अपने यार को बुला लिया, बॉयफ्रेंड को, लड़की ने। हाँ जी, लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड को बुला लिया। उसने आके ना किसी की बात सुनी, ना किसी को कुछ कहा, उसने आते साथ ही फायरिंग करनी शुरू कर दी। पहले मेरी मामा नीचे खड़ी हुई थी, औरतों की टांगों पे पहले गोली चलानी शुरू कर दी। उसके बाद मेरे पापा ऊपर से नीचे भाग गए, कहते कि ना हो क्या गई है इतनी बात कि इसने आते साथ ही फायरिंग करनी शुरू कर दी है। मैं ना उनको जाके ना, मैं खुद उनसे ना माफ़ी मांगता हूँ, या कोई बात होगी मैं ख़त्म करता हूँ कि लोग इतने आए हुए मेले पर, आप इतनी बात को ना बढ़ाओ, किसी को फायरिंग लग जाएगी। अभी वो नीचे गए ही हैं, उनकी बात भी नहीं सुनी उसने, उसने पहला ही फायर लगा दिया उनको, उनकी वो अपने टांग पकड़ते ही रह गए हैं। तब ब्लड इतना निकल गया था, मेरी अम्मी मेरे भाई दोनों आगे गए हैं। वो दोनों आगे पकड़ने के लिए गए हैं मेरी अम्मी, फिर वो वापस आया, उसने आगे फिर से फायरिंग करनी शुरू कर दी है। पहले एक लगी थी उनको, दूसरी उनकी ना सीधी टांग की पिन्नी पे लगी है, और एक छूके गुजर गया, और वो हमें देखते ही रह गए हैं कि मेरे साथ हो क्या गया है। भाई मेरा उधर था, मेरी अम्मी उधर थी। हाँ जी, मैं भी मौजूद थी उधर, मैंने अपनी आंखों से देखा सब कुछ होते हुए। आप हिम्मत ना हारे। हमने एक साइड से मैंने पकड़ा हुआ, मेरे भाई ने पकड़ के उनको बाइक पे बिठाया, जिसकी टांग, हाँ जी, अपने पापा को हमने खुद बिठाया। मेरा भाई जिसको गोली लगी है वो बाइक चला के गया है। वो मंजर मैं नहीं भूलता, वो कयामत की रात थी हमारे लिए। पानी देना, पानी की बॉटल देना। आपके भाई को भी गोली लगी इस वक्त, आप खुद अपने फादर को हॉस्पिटल लेके गई उसके बाद? हाँ जी, मेरे दोनों भाई उसको लेके गए, लेकिन जिस भाई को गोली लगी थी उसने बाइक स्टार्ट की है, वो भाई जाके वो भी गिर गया। हमें इधर का मजा, मैंने अपने पापा को देखा, वो मुझे देख रहे थे, मुझे मैंने उनको अपने उनके फेस पे हाथ लगाया। मैंने कहा पापा आप ठीक हो के घर आ जाओगे, मुझे नजर नहीं आ रहा था कि मेरे पापा के साथ हो क्या गया है। मेरी बहन ने ऊपर अपने घर में रो रही है, मैं इतना देख के मेरे बस नहीं चल रहा था, मैं बेबस खड़ी हुई थी कि मेरे पापा तो इतने अच्छे थे, उन्होंने किसी के साथ कुछ किया नहीं है। छोटी सी बात, बच्चों की लड़ाई पे उनको, बच्चों की लड़ाई पे उसने कैसे करवा दिया, वरना ने पता नहीं क्या किया। जैसे वो अंधा धुंध इतनी फायरिंग कर रहे थे, मैं भी थी, मेरी अम्मी भी थी, मेरी अम्मी को भी लगा। उसके बाद आपने पुलिस को बुलाई, कॉल की कुछ? हाँ जी, 15 पे हमने कॉल किया 3-4 दफ़ा, वहाँ पे मौके पे सारे आए, SP भी आया, DSP भी सारे आए। मेरे भाई जख्मी था, उसको कोई भी नहीं था, हॉस्पिटल लेके गया, वो यहाँ पे सारे भाग गए थे।
उन्होंने खुद अपने से ना वो भेजा उनको, वो उन्होंने फुल टाउन की अभी तक कर, लेकिन जो होती है ना पकड़ने वाली उनके पास वीडियो है, प्रूफ है, जिसने गोली मारी है उनके पास सब कुछ है, उन्होंने हमें कुछ भी नहीं दिया, सारे एविडेंस उनके पास सब कुछ है, वीडियो बंदा साफ क्लियर नजर आ रहा है मारते हुए। उनको सजा नहीं मिली, उन्होंने डरम करवाई थी उनको, वो पहले भी मुजरिम है, वो पक्का मुजरिम है, उसने पहले भी दो कत्ल किए हुए हैं। क्या नाम क्या है उसका जिसने फायरिंग की? खुरम, पूरा नाम क्या? खुरम जट। और वो जिस लड़की ने सब कुछ करवाया उसका नाम क्या है? शहजादी। उसको बुलाते शहजादी है या बाय बर्थ उसका नाम शहजादी? नहीं, उसको कहते ही शहजादी है। नाम क्या भी यही है? शहजादी। हाँ जी, यही है उसका। तो उसने ना मतलब कि हमें नहीं इतना कानून के बारे में पता, हम लड़की हैं, हमने कभी इन चीज़ों की तरफ देखा भी नहीं है, हमारे पापा ने हमें कभी इन चीज़ों की तरफ ध्यान भी नहीं दे देखा, तो ये चीज़ें अच्छी नहीं होती है, थाना अदालत ने ये वो। आपके फादर ने आपसे आखिरी बात कोई करने की कोशिश की हो या कुछ? नहीं, वो उनसे उनको मौका नहीं मिला, हमें सिर्फ देख रहे थे, उनकी आँखों में आंसू थे और ना उनके वो बहने लग गए, कुछ कह ही नहीं पाए वो। वो देख रहे थे कि मेरे बच्चों के सामने मेरे साथ ये सब कुछ हो गया है। पांच की पांच बहनें उधर आप मौजूद थी? हाँ जी, हम उधर ही थी, दो बहनें मेरे ऊपर छत से देख रही थी, तीन बहनें हम नीचे थी, हम उनके पास थे लेकिन कुछ भी नहीं कर पाए हम उनके लिए। नाज़रीन, हम माजी से बात करते हैं, माजी यहाँ पे मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम माजी। माजी, बहुत अफसोस हुआ, मुझे बताइए अब क्या कर रही है पुलिस और सारे एविडेंस होने के बावजूद जो वो मुजरिम है वो सलाखों के पीछे क्यों नहीं है? तसल्ली दे रहे हैं हमें कि हम करने हैं, कोई बात नहीं, कितनी देर भाग जाएगा, पकड़ा जाएगा आखिरकार, हमें बस जब तसल्ली दे रहे हैं, हम उन पर मुतमिन हो जाते हैं। हमारा यहाँ तक आने का यही मकसद है, हम चाहते हैं कि हमारा जो मेन मुलजम है वो पकड़ा जाए, हमें इंसाफ मिल जाए, हमें कोई लालच नहीं है, हम इंसाफ के तलबगार हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए, मैं कुछ भी नहीं चाहिए, हमें हम यही चाहते हैं बस, वो हमें तसल्ली दे देते हैं। कितना अरसा हो गया माँ जी इस वाकये को? चार माह हो गए। चार माह से कोई आपको इंसाफ नहीं मिल पाया? कुछ भी नहीं मिला। दो बंदे जो पकड़े गए थे वो खुद ही पेश हुए थे, जो पकड़े गए थे ना, एक को फायर मेरे बेटे का लगा था, वो अंदर ही है, जो दूसरा था क्योंकि इन्होंने फायरिंग बहुत ज़्यादा की थी, तीन चार और जख्मी हुए थे, राह जाते राहगीर हुए थे, जो दूसरे लड़का पकड़ा गया था वो पेश हुआ था, उसको किसी और का फायर डाल दिया, उसने बयान दे दिया, वो लड़का बाहर आ गया। हाँ जी, जिसको मेरे बेटे ने मारा ना वो लड़का अंदर ही है, वो भी खुद पेश हुए हैं, उन्होंने पकड़े नहीं है। माँ जी कितनी उम्र थी जो आपके शोहर थे? हाँ जी 55 साल। हाँ जी 55। और आपकी पांच बेटियां कमा रही हैं अकेले ही वो कमाने वाले? हाँ जी अकेले ही कमाने वाले थे। किस तरह आप देख रही हैं कि अब आप किस तरह सर्वाइव करेंगे? ना आपको इंसाफ मिल पा रहा है और बेटियों का बोझ है अल्लाह, अभी तक तो कोई आसार नज़र नहीं आ रहे, पर अल्लाह के घर में उम्मीद ज़रूर है कि अल्लाह में अच्छा करेगा हमारे साथ। तो आप क्या कहना चाहेंगी आईजी पंजाब को या देखने वाले जो नाज़रीन? तमाम अफसरान हैं, बड़े छोटे बड़े, सबको यही हमारी अपील है कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ इंसाफ हमें मिलना चाहिए। हाँ जी, हम माड़े बंदे हैं, हम पाँच मेरी बेटियाँ, दो मेरे बेटे हैं। हाँ जी, हमारा बस यही दरख्वास्त उनसे है, अपील भी है कि हमें इंसाफ हर हाल में मिलना चाहिए, हमारा मुलजम सराहों के अंदर होना चाहिए। हाँ जी, हमें कुछ नहीं चाहिए, और हमें चाहे लाख वो कहते हैं पैसा देने से हमारा को मेरा मियां वापस आ जाएगा। उन्होंने कहा है आपको ये बात कही? हाँ, बार बार वो आदमी भेज रहे हैं घर में। अच्छा। आप जो भी कहेंगे ना डिमांड हम पूरी करने के लिए तैयार हैं। क्या डिमांड वो कहना चाह रहे हैं? कभी 25 कहते हैं, कभी 30 कहते हैं, कभी मकान हम आपके नाम लगा देते हैं। 25-30 क्या कहते हैं? लाख कहते हैं ना। अच्छा, 25-30 लाख। क्या 25-30 लाख से इन जवान बच्चियों का सर का साया वो वापस नहीं वापस आएगा? नहीं, मैं उनको साफ लफ्जों में आदमी को कहा है कि मैंने कहा ढेर लगा दे पैसों का, पर मेरा मियाँ वापस नहीं आ सकता। जो वक्त इन बच्चियों ने नाजरीन अपने बाप के साथ बिताई है, क्या वो 25-30 लाख से पूरे हो सकते हैं?